हाँ, गुड मॉर्निंग। हिंदी प्रचार के आंदोलन प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाएं, उनका क्या योगदान है हिंदी प्रचार के आंदोलन में, इस विषय पर आज अपन चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में गद्य की प्रधानता रही तथा गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखा गया। गद्य के विकास के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वे आधुनिक काल में विद्यमान थी। मध्यकाल में ब्रजभाषा गद्य की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ मिलती हैं, जैसे 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। इन पुस्तकों के रचयिता गोसाई विट्ठलनाथ या उनका कोई शिष्य है ऐसा माना जाता है। इसी समय नावादास ने अष्टयाम की रचना की। खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में जिन लेखकों की कृतियों का योगदान है उनके नाम निम्न प्रकार से हैं, जिसमें भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित है, मुंशी सदा सुखलाल न्याज सुखसागर, इंसा अल्लाह खां रानी केत की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिक उपाख्यान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इतिहास तिमिर नाशक और राजा भोज का सपना, राजा लक्ष्मण सिंह कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद और श्रद्धा राम फुलेरी, इन्होंने भागवती नामक उपन्यास लिखा और सत्यमृत प्रभा ओम जय जगदीश हरे भी इन्हीं का आरती के रूप में। आधुनिक काल में संस्कृत चेतना जागृत होने के फलस्वरूप अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। इनमें से प्रमुख हैं ब्रह्म समाज, जो इसके संस्थापक राजा राममोहन राय 1828 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867, संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, आर्य समाज 1867, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो, रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद, थियोसिफिकल सोसाइटी प्रचारक एनिवेसेंट 1875 और स्वराज आंदोलन अनेक राष्ट्रीय नेता। देखिए, राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में जो सक्रिय योगदान देने वाले उनमें प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास का नाम लिया जा सकता है। इन सभी नेताओं ने हिंदी को जनता के संपर्क का माध्यम बनाया तथा अपने भाषण हिंदी में दिए। महात्मा गांधी का मत है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है क्योंकि ये जन जन की भाषा है। गांधी जी की प्रेरणा से सन 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप हिंदी भाषा में करेगी। गांधी जी के प्रयास से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। सर सैयद अहमद खां उर्दू के पक्षधर थे और अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। सितारे हिंद ने उनसे टक्कर लेते हुए हिंदी को विद्यालय में प्रवेश दिलाया और हिंदी का पठन पाठन प्रारंभ कराया। उनके इस योगदान के लिए हिंदी जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। अब देखिए आर्य समाज का योगदान। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी। उन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए और समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी जी को है। केशव चंद सेन ने स्वामी जी को ये सुझाव भी दिया कि वे हिंदी में अपने ज्ञान का प्रचार करें और स्वामी जी ने ईसाई मिशनरियों का प्रतिवाद करने के लिए हिंदू समाज में तर्क शक्ति को जागृत किया। तर्क वितर्क के लिए उन्होंने हिंदी गद्य को प्रचार का माध्यम बनाया क्योंकि गद्य ही प्रचार विचार शक्ति एवं बौद्धिक चेतना को वहन करता है। आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों, उपदेशों, प्रवचनों, निबंधों एवं अनुवाद
ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान किया। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण गुप्त के अनुसार आर्य समाज ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध करने एवं उसको गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने आम जनता की भाषा हिंदी को अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया। 1813 ईस्वी में विल फोर्स एक्ट के पास होने पर इन्हें धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई और बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया गया और धर्म संबंधी अनेक छोटी छोटी पुस्तकें एवं पंपलेट छपा कर बांटे जाने लगे। इन पुस्तकों में हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। ये भी उल्लेखनीय है कि इन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य धर्म प्रचार था, हिंदी प्रचार नहीं। वास्तव में वे अंग्रेजी के प्रचारक थे। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनका गद्य सीधा स्पष्ट एवं सरल था। और ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनेक स्कूल कॉलेज खोलने प्रारंभ कर दिए तथा भारतीय धर्म विद्या शास्त्र भाषा आदि पर अनेक शोध कार्य भी अंग्रेज द्वारा किए गए। अंग्रेजों ने कचहरी की भाषा के रूप में भी उर्दू को ही प्रचलित रखा। स्वतंत्रता के बाद भी कचहरी की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी उर्दू ही वर्षों तक रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली अनेक संस्थाएं, जिसमें नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी और दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1945, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, हिंदी प्रचार समिति, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। ये सभी संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी के योगदान में, हिंदी के प्रचार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।